हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। आईवीपीएस ने एक बार फिर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी है, तो हम डिटेल में देखेंगे। पूरा शेड्यूल निकाला गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका फाइनल सिलेक्शन तक का डेट बता दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, वो हो चुका है, ठीक है। 1 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। नेक्स्ट है आपका जो पेमेंट होगा एप्लीकेशन फीस का, वो भी ऑनलाइन ही होगा, जिसका जो फीस अगर मैं आपको बता दूं 850 रुपीज है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फीस होती है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 रुपीज फीस है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो 175 रुपीज इनकी फीस होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका जो कॉल लेटर होगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी का, यानी कि प्रिलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, तीन फेसेस में ये एग्जाम होता है। प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर 24 से लेकर 31 दिसंबर तक होगा। इसका जो आपका कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड है, वो भी आपको दिसंबर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, वो आपका जनवरी 2023 में, यानी एक महीने बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो मेंस का एग्जाम होगा, ये भी ऑनलाइन ही होगा। ये एग्जाम आपका 29 जनवरी को, देखो पूरा डेट दे दिया गया है, ठीक है। 29 जनवरी को आपका 2023 में मेंस का एग्जाम होगा, जिसका एडमिट कार्ड आपको जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में मिल जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, उसका भी शेड्यूल बताया गया है। देखो, रिजल्ट जो होगा मेंस का, वो आएगा फरवरी में, तो उसके जस्ट बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फरवरी 2023 को आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर यानी इंटरव्यू का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू हो जाएगा 2023 में, और लास्ट जो है आपका फाइनल प्रोसेस जो है अप्रैल 2023 में खत्म हो जाएगा। यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, आपको बता दिया जाएगा कि वो हुआ है या नहीं अप्रैल 2023 में। बहुत जल्दी 4-5 महीने के अंदर आपको पूरा शेड्यूल जो है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कितने पोस्ट के लिए ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। देखो, आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग पोस्ट के लिए करवाया जाता है, ठीक है। तो जो पोस्ट है वो 710 है, टोटल पोस्ट 710 है, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, आईटी ऑफिसर की 44 वैकेंसीज है, ये बैंक का एग्जाम होता है, ये आप सबको पता होगा। आईटी ऑफिसर की 44 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की 516 यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इसकी है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की, ठीक है। 516 वैकेंसीज है 710 में से। नेक्स्ट है राजभाषा अधिकारी स्केल 1, इसकी 25 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर स्केल 1, 10 वैकेंसीज इसकी है। नेक्स्ट है एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, इसकी 15 वैकेंसीज है। और 100 वैकेंसीज है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की, तो टोटल आपका हो जाता है 710 वैकेंसी, ठीक है। और आईबीपीएस इस एग्जाम को बहुत जल्दी और बहुत ही शॉर्ट टर्म में करवा देगा। 5 महीने के अंदर आपका जो पूरा सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल सीएमसी इंदौर। और बैंकिंग एंड एसएससी स्पेसिफिक हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।